नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल होगा फैसला। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जंतर मंतर पर VPH और बजरंग दल का प्रोटेस्ट। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस भी हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। ED CBI के दुरुपयोग के खिलाफ संसद परिसर में कल प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया गठबंधन के दल, बोले संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं से सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि कल सुबह 10:30 पर संसद परिसर में ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संजय सिंह बोले, ईडी के पास सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ईडी दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी, पूरा देश देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, किस दुर्भावना के कारण आप काम कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और आपके इन्हीं कार्रवाइयों के खिलाफ कल इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल, जब खड़गे साहब के घर पे मीटिंग हुई थी जिसमें राहुल गांधी जी भी मौजूद थे, सबने एक स्वर में तय किया था कि कल 10:30 देश की संसद की परिसर में इंडिया गठबंधन के दल देश भर में ED CBI के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। NEET UG एग्जाम को पेन एंड पेपर से बदलकर ऑनलाइन माध्यम से करवाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार। NEET UG एग्जाम के पेपर लीक को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। इसे लेकर नीट पेपर लीक में फॉर्मेट में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए सरकार अगले साल से नीट एग्जाम को ऑनलाइन करवाने पर विचार कर रही है। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, मन की बात कार्यक्रम में बोले PM मोदी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया TMC को सूबे की वित्त स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का आदेश। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने कहा, पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति कई राजकोषीय जोखिमों और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के मुद्दों का सामना कर रही है, जो राज्य सरकार की गंभीर खामियों को उजागर करती है। पश्चिम बंगाल वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी सरकार से राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने को कहा है। यूपी बिहार समेत 25 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी, IMD ने दिया अपडेट। देश के अधिकतर राज्यों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सोमवार और मंगलवार को भी बारिश होने का अनुमान जताया। IMD के अनुसार दिल्ली NCR समेत पूर्वी भारत से लेकर उत्तरी भारत तक और उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। सिंगापुर की धर्मगुरु को 10.5 साल की जेल, भक्तों से 43 करोड़ रुपए ठगे, आदेश न मानने पर उनके दांत निकलवाए, कैंची से मारा। सिंगापुर में 54 साल की धर्मगुरु वू मे हु को 10.5 साल की जेल हुई है। कोर्ट ने उन्हें अपने भक्तों के साथ धोखाधड़ी करने और उन्हें चोट पहुंचाने समेत 5 आरोपों में दोषी पाया। वू मे पर आरोप है कि वह अपने भक्तों का ब्रेन वॉश कर उन्हें बताती थी कि वह एक देवी है। ब्रिटेन में चुनाव से पहले नेस्देन मंदिर पहुंचे ऋषि सुनक और पत्नी अक्षता, कहा PM बना तब गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में किसी को बहुमत नहीं, खेमनई समर्थक जलीली और हिजाब विरोधी पदशाकियान में टक्कर, 5 जुलाई को फिर से होगा चुनाव। राजधानी में सोने की कीमत में कोई उतार चढ़ाव नहीं, आज दिल्ली में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 72,420 रुपये, जबकि मुंबई में 72,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बरकरार। तीसरे दिन प्रभास की फिल्म कल्की ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया कब्जा, किया शानदार प्रदर्शन। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल्की ने 27 जून सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। ओपनिंग डे पर धमाकेदार कलेक्शन करने के बाद फिल्म ने दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की। इंडस्ट्री ट्रेकर सैकनिक की रिपोर्ट के मुताबिक कल्की ने तीसरे दिन 67.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है।
वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 96.3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कलेक्शन में भारी उछाल को देखते हुए फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 220 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। नारनौल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा। पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के सामने नारेबाजी। चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं और समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन। हिसार में बदमाशों के खिलाफ एकजुट हुए व्यापारी। बैठक कर लिया फैसला, शुक्रवार को बंद करेंगे हिसार। कल नगौरी गेट पर 2 घंटे धरना। ऑटो मार्केट के 3 व्यापारियों से 9 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले को लेकर व्यापारियों ने आज महिंद्रा शोरूम में बैठक कर बदमाशों को सख्त संदेश दिया। हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। हरियाणा में पुजारी को चाकू से गोदने पर माहौल गरमाया। भड़के लोगों का आरोपी के घर पर हमला। भड़काऊ पोस्ट डालने वाले बिट्टू बजरंगी पर FIR। हरियाणा के फरीदाबाद में मंदिर के पुजारी रवि कश्यप उर्फ भगत जी और भाजपा कार्यकर्ता पर हुए हमले के बाद 2 समुदाय में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि यह हमला समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जाते हुए धार्मिक नारे भी लगाए। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने विशेष समुदाय के आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में बिट्टू बजरंगी और अन्य 3 के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित रवि भगत का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में सारण थाना पुलिस ने मेहताब, गोलू, इकबाल, साजिद और गोलू बादबा के खिलाफ कई धाराओं व 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अम्बाला में मॉनसून के सक्रिय होते ही एक्टिव हुए मंत्री। गंदगी से अटे नाले देख भड़के परिवहन मंत्री असीम गोयल। अधिकारियों को लगाई फटकार। नू में नए SP विजय प्रताप ने संभाला चार्ज। पुलिस जवानों ने लघु सचिवालय में दी सलामी। महिला सुरक्षा, नशा मुक्ति पर रहेगा जोर। पलवल में लड़कियों से छेड़छाड़। विरोध करने पर आरोपी ने परिवार को पीटा। घर और दुकान में की तोड़फोड़। पुलिस ने दर्ज किया केस। पानीपत पहुंचे एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडल्य। बोले, खालिस्तानी अमृतपाल को नहीं लेने देंगे शपथ। चुनाव आयोग को देंगे ज्ञापन। हरियाणा में तेज बारिश के बाद भी गर्मी बढ़ी। 18 जिलों में आज भी अलर्ट। पंजाब के 9, हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश की संभावना। यह थी अब तक की कुछ खास खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।